एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे आज बहुत मजा आ रहा है। हेलो माय क्यूटीज, होप आप सभी सही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी और क्या कर रहे हो आप? तो आप तो कमेंट करके बता देना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो। फिलहाल मैं अपना बता देती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसी हूँ। तो आज का जो दिन है वो मेरा फुली ऑक्यूपाइड है मेरे काम में, क्योंकि आज है वेनसडे और मेरा वेनसडे लास्ट वर्किंग डे होता है वीक का, और थर्सडे से मेरा न्यू वीक स्टार्ट होता है। एंड मैं अपने काम को इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि मुझे हफ्ते में एटलीस्ट एक छुट्टी मिल सके। वो छुट्टी भी नहीं मुझे मिलती, क्योंकि उस दिन अगर मैं काम से थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ तो फिर घर के काम आ जाते हैं। तो छुट्टी तो मुझे से कभी मिलती ही नहीं है, बट हाँ, आई मैनेज माई वर्क इन दैट मैनर कि एटलीस्ट मुझे एक दिन से अपने काम से छुट्टी मिले, कि मैं अपना लैपटॉप ओपन करके ना देखूँ कि आज क्या मेल आया है या फिर क्या काम है। सो या एंड गाइज, आई नो आप लोगों को अजीब लगता होगा मेरे बाल ऐसे कभी इधर हो रहे हैं, कभी उधर हो रहे हैं, कभी मैं कुछ कर लेती हूँ ऐसे ही बिखरे रहते हैं। तो आपको अजीब लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और मुझे मतलब अच्छा, मैंने ये भी बाल अपने बहुत अच्छे तरीके से कर रखे हैं, सेट कर रखे हैं। मैं इससे भी गंदी तरीके से मैं अपने बालों को ऐसे इधर उधर फैलाए रखती हूँ, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है थोड़ा मैसी मैसी ओवर साइज टी शर्ट पहनना। आई एम लाइक दैट। एंड मैं आपको सच्ची बताऊँगा, मैं अपने बालों में कभी भी कॉम्ब नहीं करती, कभी भी नहीं करती। मैं जस्ट अपने हाथों से ही, ऐसे उंगलियों से ही अपने बालों में कॉम्ब कर लेती हूँ, कभी कॉम्ब मैं यूज़ नहीं करती। लेकिन अभी मैं जब अपने हेयर कट कराने गई थी, जब मुझे मेरी मम्मी जी हेयर कट कराने के लिए लेके गई थी, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ना आपको ना अपने जो बाल हैं उनमें कंघी करनी चाहिए, उससे बाल आपके अच्छे और होंगे, ये होगा वो होगा। तो तब से मैं एक दो बार कर लेती हूँ, मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन हाँ कभी मेरा, मैं बैठी हूँ और मेरा मन कर गया तो मैं कभी कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली कॉम्ब करती हूँ, बट मेरी मम्मी जो है वो कॉम्ब करती हैं और मुझे इतना पसंद नहीं है कॉम्ब वगैरह करना। और फिलहाल मैं अपने काम पर ही बैठी हूँ। और आज आज हमारे यहाँ पे आई है बहुत तगड़ी बारिश, क्योंकि आपको पता होगा सावन हो गया स्टार्ट और बहुत तेज़ बारिश आई थी, बहुत तेज़, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया। और मेरी जो माता है वो रिशु को ढूंढ रही है कभी इधर कभी, और मम्मी किचन में पता नहीं क्या बना रही हैं, देखते हैं क्या बना रही है मम्मी खाने का, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, देखते चलते। ये मम्मी ने कढ़ी कुकर में चढ़ा दी है, यहाँ हमारा दूध उबला है और अब मम्मी बना रही है पकौड़े आलू। गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है, मम्मी यहाँ पे पकौड़े के लिए ये तैयार कर रही है, और कार्तिक मम्मी की मदद कर रहा है सामान डालने में, नमक वगैरह डाल रहे हैं दोनों, वहाँ बेटे लगे हुए हैं। कार्तिक, तो कढ़ी बनानी आती है? तो कढ़ी बनानी आती है? सब कुछ आता है तुझे? गाइस, अब मम्मी यहाँ पे पकोड़े बना रही है कढ़ी के लिए, क्योंकि हम कढ़ी कभी भी बिना पकोड़े के नहीं खाते हैं। तो ये मिक्सचर मम्मी ने बनाया था आलू और प्याज का, और यहाँ मम्मी अब तल रही है पकोड़े, और यहाँ पे जो कढ़ी है वो भी उबल रही है। तो गाइस, आज मुझे बहुत सारा काम करना है, तो मैं अब अपने काम पे बैठ चुकी हूँ, और मम्मी अभी कढ़ी पकोड़ा बना रही है, और आई डोंट नो मम्मी अब उसके साथ चावल बनाएंगी या रोटी बनाएंगी, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा क्या बनाएंगी। गाइस, फाइनली आई एम हैविंग माय लंच, मेरे ना एकदम ना पेट में ना इतना चूहे कूद रहे हैं। आज कढ़ी के साथ रोटी बनाई है। वैसे मुझे कढ़ी के साथ चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी हम कढ़ी के साथ रोटी खाते हैं, तो वो कभी कभी में से आज वो कभी कभी है जहाँ कढ़ी के साथ रोटी खानी है। सो खा लेती हूँ मैं खाना।
सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हमारे यहाँ पे बारिश हुई है, तो इसलिए आज मम्मी ने जैसे कि जो कपड़े धोए थे तो वो अब हमें जो स्टैंड है उसी पे टांगने होंगे, क्योंकि हम छत पे कपड़े सुखाते थे अपने, लेकिन जैसे कि आज बारिश हो रही है तो वहाँ पे तो हम कपड़े नहीं सुखा सकते। वैसे बारिश भी रुक गई है, लेकिन फिर भी अगर स्टार्ट हो गई तो फिर भागना पड़ेगा, तो इसलिए मम्मी जो रैक है उसी में कपड़े सुखा रही है। तो चलते हैं मम्मी के पास गाइस। सो गाइस, मैं ये कहती कि ना हमारी छोटी सी मोंटी है, तो मम्मी कह रही है छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत सारा सामान आ जाता है इसमें। सावन का पहला दिन आज, बहुत बधाई हो सावन की। तो ये बहुत सारे कपड़े हैं मम्मी इस पे अभी टांग रही है, और हवा अच्छी चल रही है आज बहुत ज्यादा, मम्मी बतियाने लग गई गली में। गाइस, मम्मी कर रही हैं बातें ऐसे ही अंटियों से, और मैं अपना आ गई हूँ काम करने के लिए। सो काम करके बात करते हैं। वेलकम बैक अगेन गाइस, शाम के 8 बज रखे हैं और आज मेरा जो काम है वो मैंने फटाफट कर दिया। आ गया भाई तू? सो गाइस, भैया जी आ गए हैं, मैंने थोड़ा सामान मंगाया था अपना, करते हैं तमीज़ है देने की चीज़ें। अपोलोजाइज, आप इनको प्लीज़ बर्तनों में डाल दें, करते कैसे फेंके ना। अच्छा गाइस, आपने देखा कितनी बदतमीजी से वो बात करके गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना सामान रख लेंगे। मैं अपनी चॉकलेट ढूंढने लग गई, मैंने रख दी थी पिछले में। गाइस, आज मैं कर रही हूँ पार्टी, पता नहीं कौन सी खुशी में, लेकिन मैं बस आज मैं थक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को थोड़ा खुश करती हूँ, पैम्पर करती हूँ, तो इसलिए आज मैं कर रही हूँ पार्टी। सो जो हमारी चॉकलेट है इसको तो मैं खाऊंगी रात में आराम से बैठ के एकदम मजे से, और मैंने अपना जो थाल परोस है वो बना लिया, आपको दिखाती हूँ हाउ इट लुक। गाइस, दिस इज़ हाउ इट लुक। ये मेरे लेज हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के, और ये हमारी फेंटा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक फेंटा अब बनी है। इससे पहले जैसे कि थम्सअप, कोक, और कौन सी होती है ब्लैक में, थम्सअप, कोक, पेप्सी, तो ये तीन ही है ना बेसिकली। सो मैं ब्लैक जो कोल्ड ड्रिंक होती थी वो ही पीना प्रेफर करती थी, बट लास्ट ईयर से पता नहीं क्यों मुझे फेंटा की से क्रेविंग होती है, तो इसलिए मैं लास्ट ईयर से, मतलब कि इस साल पूरा मैंने ऐसे फेंटा पी है, एकदम मज़ा ही आ गया। और आप सोच रहे होगे कि एक ही ग्लास क्यों है, क्योंकि जो भैया हैं वो इनका सेवन नहीं करते हैं, और हमारी जो मम्मी है वो सेवन करती है इन सब चीज़ों का, लेकिन उनका जो आज गला है ना वो थोड़ा ख़राब है, इसलिए वो थोड़ा पूरे ब्लॉग में भी कम बोल रही हैं, क्योंकि उनके जो गले में है ना वो टोन्सिल्स हो चुके हैं, तो जब टोन्सिल्स होते हैं तो वो बोल नहीं पाते, तो इसलिए आज माता कम बोलिए वीडियो में आज, और मम्मी ने बस अपना काम ही करा है, और अभी भी मम्मी अपना काम ही कर रही है, मम्मी बर्तन धो रही है। गाइस, मेरी पार्टी अभी तक चल रही है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आज एक वेब सीरीज देख रही हूँ, जैसे कि आपको दिख रही होगी, ये हमारा लैपटॉप, वो साइड में मेरी चॉकलेट रखी है। सो आराम से मैं बैठ के अब अपनी वेब सीरीज देखूंगी, और मैंने आज डिसाइड किया है जो ये लास्ट सीजन है इसकी मैं सारे के सारे जितने भी एपिसोड हैं मैं भी देख डालूंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे आज बहुत मज़ा आ रहा है, एंड कभी आप भी ट्राई करना, जो आपको पसंद हो खाने का आप वो ऐसे लेकर ना बैठ जाना, और फिर उसके बाद कुछ आपको पसंद हो, कोई वेब सीरीज, कोई मूवी, कुछ ऐसा पसंद हो, आप अपने लैपटॉप में, फ़ोन में चलाकर और ऐसे खाते रहो और ऐसे देखते रहो, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है,
सच में आप प्लीज ट्राई करना। एंड मैं ना सच बताऊँ ना, मुझे और भी कुछ खाना था, मतलब और भी चीज़ें मंगानी थी, जैसे कि दही भल्ला, फ्रेंच फ्राइज, चाप और स्प्रिंग रोल, ये सारी चीज़ें भी मंगानी थी, गोलगप्पा, टिक्की। लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं ना, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, हर जगह खुदाई हो रही है, खुदाई हो रही है, खुदाई हो रही है। तो इस कारण वो, और बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है फिर खुदाई हो रही है, तो वो जो पूरा रोड ना, वो मतलब चला नहीं जा रहा है उस पर, तो फिर हम इतनी दूर नहीं जा पाए। तो मैंने अपनी जो गली के कोने की दुकान थी उससे ही, मतलब ये चिप्स वगैरह ही उस पर मिलेंगे, तो इसलिए मैंने मंगाए। लेकिन जैसे ही ना हमारे जो रोड का ये सही हो जाएगा ना, देन मैं अगेन ऐसी ही पार्टी करूँगी अपने साथ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है और ऐसे मैं रेगुलर ना मतलब अपने साथ करती रहती हूँ। सो अभी बहुत हो गई बातचीत, अब मेरी वेब सीरीज़ मेरा इंतज़ार कर रही है, देख लेती हूँ मैं।